Hey guys, आज फाइनली स्ट्रीट मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि आप लोग देख चुके हैं और हम लोग भी देख चुके हैं। तो आज हम लोग सोचे कि एक साथ क्यों ना ट्रेलर को देखा जाए और रिएक्शन दिया जाए कि ट्रेलर एक्चुअल में कैसा बना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रेलर कैसा बना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्त्री जा चुकी है और चंदेल पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? वही जिसने उस वेश्या को मारकर स्त्री बनाया था, जिसे इतिहास से एक नाम से जानता है। सरकट के बारे में हम क्या जानते हैं? सरकटे का सर कटा हुआ है। इसको अभी का अभी आईएस घोषित कर दो। थैंक यू रिद्धम। विक्की, तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है भाई। मृतिका का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। आपको पता है कि सब लोग आपके पीछे से आपको क्या क्या बोलते हैं? चलावा, चुड़ैल, पिशाचिनी, सोनम, बेवफा, ठुकरा दे तेरा प्यारा, बिना काम देखी थी। हमारे भाई में क्या बोलते हैं पता है? क्या? चंदेरी का देवदास, बर्बाद आशीष, बिक्की बाबरा, सत्ता राजा, मजनू का भांजा, चन्ना मेरे या पागल, प्रेमी दुखी, दर्दी, टूटा दिल, शहजादा जिसका प्यार रह गया, आधा, कबीर सिंह, सूखा बच्चे। चंदेरी पर फिर से हालत आ पड़ी है। वो सरकटा शेरा के लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। बिक्की बेटा, इस सरकटे को भी तुम्हें भगाना है। अभी भाग खा के आई हो क्या? पता कितना बड़ा है वो? सिर्फ बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कब्र तक ही आएंगे उसके। उसने हमारे चंदेरी के संबंधों की सोच बदल दी है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपना फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। पूजा के आखिरी दिन तक उसे रोकना ही होगा, वरना महाविनाश होगा। चंदेरी को अगर कोई मुसीबत से बचा सकता है तो वो तुम हो। अब लग रहे हो असली राजकुमार। इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमने रास्ता ढूंढ लिया। फाइनली हम लोग ट्रेलर देख चुके हैं और इस ट्रेलर में ना बहुत ही डरावना तो है ही, लेकिन कॉमेडी भी बहुत भर भर के दिया है। डायलॉग जो यूज किया है ना गाइस, यहाँ पे काफी मजेदार डायलॉग यूज किया है। मुझे तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा सबसे? मुझे तो सबसे अच्छा लगा जब श्रद्धा कपूर की एंट्री हुई। एंट्री वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा जो वो डायलॉग है ना राजकुमार का, उसका तो नाम ही राजकुमार का। वो जब कॉस्ट्यूम पहन के आता है वो बोलता है कि अब लग रहा हूँ असली राजकुमार। वो डायलॉग इस मूवी में भी उसका नाम राजकुमार ने ट्रेलर में क्या देखा, वो राजकुमार की कॉस्ट्यूम नहीं पहना, वो वही डायलॉग। सो गाइस, ये मूवी डेफिनेटली मैं देखने जाऊंगा थिएटर में, क्योंकि काफी अच्छा और बहुत दिन बाद ऐसा डरावना मूवी आ रहा है, साथ में कॉमेडी तो काफी इंटरेस्टिंग। और सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है पता है क्या है? अक्षय कुमार भी कैमियो, मतलब उसका कुछ अक्षय कुमार भी आएगा एक सीन है। और एक चीज देखें कि जो यूनिवर्स है ना, यहाँ पे मुंजा स्त्री, उसके बाद भेड़िया, लेकिन यहाँ पे रूही का एड नहीं किया है। रूही भी इसका पार्ट है, क्योंकि इसीलिए नहीं किया है, क्योंकि राजकुमार भी उसमें, इसीलिए हमको लग रहा है कि पार्ट नहीं किया है। और इस मूवी में आपको मुंजा का भी सीन देखने को मिलेगा, भेड़िया का भी सीन देखने को मिलेगा, यानी कि सबको एक कनेक्ट करेगा इस, मतलब यूनिवर्स बनाया गया हॉरर का। तो काफ़ी लाजवाब बॉलीवुड ने बनाया है और इस मूवी में बहुत ही सारा पैसा खर्च किया है। सो तुम बताओ तुम्हारा क्या कैसा लगा इस? मुझे देख कर एक ही बात मुझे
याद आई कि तीसरी मूवी जो देखी थी उससे भी ज्यादा ज्यादा डरावना है ये मूवी, और मैं तो जरूर देखने जाऊंगी। तो आप लोगों का ओपिनियन क्या है, आप लोग देखने जाएंगे या फिर नहीं, कमेंट पे जरूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे आपको डेली मूवीज और सीरियल्स अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।